हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की जो मेरी वीडियो है वो हेल्थ टिप्स से रिलेटेड है। इसमें आपको 3 से 4 हेल्थ टिप्स दूंगी, 4 हेल्थ टिप्स। और आज मैं सिर्फ आपको हेल्थ टिप्स ही दूंगी, हेल्थ टिप्स के अलावा मेरे वीडियो में आज कुछ भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, मेरी जो फर्स्ट हेल्थ टिप है वो ऑयल से रिलेटेड है, मीन्स कुकिंग ऑयल। इसका मतलब है कि हमें अपने किचन में कुकिंग ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो सुनिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने किचन में रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो स्टॉप यूजिंग इट। ये मेरी फर्स्ट हेल्थ टिप है कि आप अपनी कुकिंग में रिफाइंड ऑयल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। और मैं आपको ऑयल सजेस्ट करती हूँ कि कौन सा ऑयल अच्छा रहता है इंडियन कुकिंग के लिए। और पहले आपको रिफाइंड ऑयल के मैं साइड इफेक्ट बताती हूँ। रिफाइंड ऑयल एक्चुअली जो है वो डर्टी ऑयल कहा जाता है इसको साइंस की लैंग्वेज में, क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल है उसको रिफाइंड बनाने के लिए उसको जिन भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो भी उसमें केमिकल्स कई सारे मिक्स करने पड़ते हैं, तो वो जो ऑयल है बिल्कुल डर्टी हो जाता है। और इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगी, बस इतना बता सकती हूँ जो रिफाइंड ऑयल है वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सो स्टॉप यूजिंग इट इफ़ यू आर यूजिंग इट। वैसे तो इंडिया के लोग अब इस बारे में काफ़ी अवेयर हो गए हैं और यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल अगर कोई यूज़ कर रहा है तो स्टॉप यूजिंग इट। और अब आप पूछेंगे कि रिफाइंड ऑयल यूज़ ना करें तो कौन सा ऑयल यूज़ करें, तो देखिए आपके पास इसके लिए कई ऑप्शन हैं। एक तो मैं आपको बताती हूँ कि जो ऑलिव ऑयल है वो कुकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बेस्ट है। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है वो उसको यूज़ करते हैं, बट ऑलिव ऑयल जो है वो काफ़ी कॉस्टली रहता है। अगर आपको 1 लीटर भी लेना है तो 1000 से भी ऊपर में आता है, या फिर इसे कम में भी आ जाएगा पर अच्छी क्वालिटी का 1000 रुपीज़ पर लीटर में आता है। तो ऑलिव ऑयल तो देखिए फ्रेंड्स जो है लिमिटेड लोग ही यूज़ कर सकते हैं, उसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, आम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब एक क्रॉस ऑन द ऑलिव ऑयल। नेक्स्ट इज़ देसी घी। देसी जो घी जो है वो ऑयल मतलब कुकिंग के लिए परफेक्ट है, बट यही है देसी घी जो है वो भी हम जैसे इंडिया की कुकिंग है उसमें कुछ चीज़ें फ्राई भी करनी होती है, काफ़ी ज़्यादा भी यूज़ होता है, तो हम देसी घी भी यूज़ नहीं कर सकते उसमें, वरना देसी घी जो है काफ़ी अच्छा रहता है कुकिंग के लिए। और बाकी मैं आपको बताती हूँ जो मतलब एफोर्डेबल भी है और कुकिंग के लिए बेस्ट भी है, उसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मस्टर्ड ऑयल है, कच्ची घानी सरसों का तेल। इसको मतलब कच्ची घानी वाला सरसों का जो तेल है उसको आप बाय कीजिए। उसका जो है प्राइस भी सही आता है, मतलब 120 से लेकर 200 के बीच में 1 लीटर मिल जाता है। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग रेट है। तो ये है कच्ची घानी सरसों के ऑयल का प्राइस, और ये नॉर्थ इंडिया में कुकिंग के लिए बेस्ट है। और जिस तरह का हमारे इधर खाना बनता है उसके लिए कच्ची घानी जो मस्टर्ड ऑयल है वो बेस्ट है, सरसों का तेल बेस्ट है। और सेकेंड ऑप्शन जो है वो है ग्राउंड मतलब सीज़म ऑयल, मतलब तिल का तेल। तिल का तेल जो है वो भी कुकिंग के लिए बेस्ट है, बट ये इंडिया के अदर पोर्शंस में कुकिंग के लिए सही है। और मतलब ये भी वैसे कुकिंग के लिए अच्छा है, सीज़म ऑयल, तिल का तेल और ग्राउंड नट ऑयल भी कुकिंग के लिए अच्छा है। ग्राउंड नट ऑयल मीन्स मूँगफली का तेल, ये भी आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी इंडिया के कुछ पोर्शंस में यूज़ होता है, बट नॉर्थ इंडिया के लिए जो मैंने आपको फर्स्टली सजेस्ट किया सरसों का तेल इज़ बेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो मतलब एक और मैंने आपको 4 ऑयल्स बताने थे जो कुकिंग के लिए परफेक्ट है, एक है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी कुकिंग के लिए परफेक्ट है, बट ये है कि जो कोकोनट ऑयल है वो भी इंडिया के कुछ पोर्शंस भी यूज़ होता है। नॉर्थ इंडिया के लिए मैंने आपको बताया कि सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी वो सबसे अच्छा है और एफोर्डेबल भी है, हमारी पॉकेट पर जोर भी नहीं डालता है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आप जो है रिफाइंड ऑयल को बंद कर दीजिए, और जो मैंने आपको ऑयल बताया सजेस्ट किया उसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट नॉर्थ इंडिया के लिए जो है कच्ची घानी सरसों ऑयल इज़ बेस्ट। उसके बाद दिस वाज माय फर्स्ट हेल्थ टिप, ये मेरा फर्स्ट हेल्थ टिप था। फ्रेंड्स, मेरा सेकंड हेल्थ टिप है टूथपेस्ट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, अगर आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं किसी भी ब्रांड का, उसमें कोई भी हो सकता है, जैसे कि वो तो आप खैर यूज़ कर ही रहे हैं, सब यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोलगेट, क्लोजअप और भी कई सारे आते हैं, ये दंत कांति, कई सारे आते हैं टूथपेस्ट। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं देन स्टॉप यूजिंग ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इनमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। और अगर आपके घर में बच्चे हैं फिर तो यूज़ करना इनको बंद ही कर दीजिए, कोई भी करेंगे केमिकल तो सब में ही होता है। अगर आपको यूज़ करना है तो आप लाल दंत मंजन कीजिए, वो जो डाबर का लाल दंत मंजन आता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं आपको पता है कि जब वो पेस्ट करते हैं तो उसको निगलते भी है, और मतलब अंदर ले जाते हैं वो, और ये जो यही वाली जो इनके निगलने वाला होता है ये जो है सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। तो फिर अगर आपके घर में बच्चे भी हैं तो आप उसको बंद कर दीजिए टूथपेस्ट को यूज़ करना, जो भी ये ब्रांड के हैं। आप लाल दंत मंजन अपने घर में यूज़ कीजिए, चाहे बच्चे हैं या बड़े हैं, सबके लिए लाल दंत मंजन। या फिर जो दातुन आता है, चलो दातुन तो अभी नहीं मिलता है, नॉर्मली गाँव के लोग तो यूज़ कर सकते हैं, बट जो शहरों के लोग हैं उनके लिए लाल
लाल दंत मंजन जो इजीली अवेलेबल भी होता है उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि लाल दंत मंजन दांतों के लिए बहुत अच्छा है और इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। तो फिर स्टॉप यूजिंग पेस्ट एंड स्टार्ट यूजिंग लाल दंत मंजन। आई एम ऑल्सो बींग गेटिंग स्विच्ड, मतलब मैं भी इसको स्विच करूँगी अपना पेस्ट को और लाल दंत मंजन ही यूज़ करूँगी। मुझे अभी कुछ ही टाइम पहले इसके बारे में पता चला है और इसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च करके आपको सभी हेल्थ टिप्स दे रही हूँ जो भी आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। तो फिर ये हो गया मेरा सेकेंड हेल्थ टिप है मेरा आटा। आटा जो है, जो भी आप आटा गूंथते हैं उसको उतना ही गूंथिए जितने की ज़रूरत है, मीन्स डाक को जितने आटे की ज़रूरत है आप उतना ही गूंथिए, उसको ज़्यादा मत गूंथिए, क्योंकि आटा जो है वो केमिकल उसमें बहुत, मतलब सॉरी, उसमें जो है फफूंदी जर्म्स बैक्टीरिया बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अगर आप उसे रात को गूंथ के सुबह तक छोड़ोगे तो वो खाने लायक नहीं बचता है, देखा हमने, ब्लैक ब्लैक भी हो जाता है। तो उतना ही गूंथिए जितना रात को ही यूज़ हो जाए, और अगर आपको लगता है कि बच रहा है कुछ रोटी का, एक रोटी का, दो रोटी का, तो फिर आप उसको एक काम कीजिए कि वो रोटी बना के रख लीजिए, क्योंकि वो जो बासी रोटी होती है वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो फिर वो रोटी जो है वो उसको सुबह खा लीजिए, थोड़ा सा उसको चाहे गर्म करके खा लीजिए, थोड़ा सा उसमें देसी घी लगा के उसको गर्म कर लीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो फिर आप इस तरह से यूज कीजिए, पर बासी आटे को मत रखिए सुबह के लिए, क्योंकि बासी आटा जो होता है उसके बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको खाने से। तो फिर उसको आप मत यूज कीजिए कुकिंग में, बासी आटे को जितने की जरूरत है उतना ही गूंथिए, उससे ज्यादा नहीं है। तो मैं काफी टाइम से करती आ रही हूँ इसके बारे में, तो मुझे पहले से ही पता है। तो आटा तो मैं उतना ही गूंथती हूँ जितने की जरूरत होती है, चाहे इसके लिए मुझे सबसे पूछना पड़े कि कितनी रोटी खानी है, वैसे तो आइडिया होता है, बट स्टिल मैं मतलब जितना चाहिए उतना ही गूंथती हूँ, उससे ज्यादा नहीं गूंथती हूँ। और अगर हो जाता है कभी तो उसकी रोटी बना के रख लेती हूँ और उसी को सुबह मैं मतलब खा लेती हूँ उस रोटी को, और इतना ज़्यादा होता नहीं, एक दो रोटी का भी एक्स्ट्रा हो जाए तो एक दो रोटी एक्स्ट्रा रात को खा लेती हूँ, नहीं तो उसको सुबह के लिए बचा देती हूँ। और ये हो गया मेरा थर्ड हेल्थ टिप। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है फोर्थ हेल्थ टिप जो है मेरा है वो है प्याज के बारे में, कच्चा प्याज। आपको अपनी जो है डाइट में कच्चे प्याज को जरूर शामिल करना चाहिए, और कच्चा प्याज टेस्टी भी मुझे तो बहुत लगता है। मतलब कच्चा प्याज आप जैसे कोई भी दिन में खाना खाते हैं, सुबह तो नहीं खाया जाता पर दिन में खाना खाते हैं जैसे दाल चावल के साथ या रोटी सब्जी के साथ, तो कच्चा प्याज उसमें ज़रूर खाएं, या फिर जैसे नाइट में डिनर करते हैं उसके साथ भी सैलेड में आप कच्चा प्याज जरूर खाएं, क्योंकि कच्चा प्याज के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो कच्चा प्याज अपनी डाइट में आप ज़रूर इंक्लूड करें, और मतलब प्याज को जो है, प्याज के काफ़ी गुण हैं, कई चीज़ों में प्याज के गुण होते हैं, वो कई सारे होते हैं, बट जो खाने में है अगर आप उसको डायरेक्ट खाएंगे कच्चा काट को, उसको काट के काफ़ी देर तक, मतलब कि जब खाना है उसी टाइम 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले उसको काट कर रखिए, क्योंकि कच्चा प्याज जो है वो जर्म्स को भी बहुत जल्दी अपने ऊपर अंदर एब्जॉर्ब करता है। तो आप उसको उसी टाइम काटिए जिस टाइम उसको खाने के लिए यूज़ करना है, और उससे पहले मत काटिए। और आशा है फ्रेंड्स आपको मेरी ये हेल्थ टिप्स अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो ये हेल्थ टिप्स तो मुझे बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।